कोई अभी तक कंट्रोल होने में नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ सामने आ रही है, कैसा वजूहत कितनी, और अभी भी आपके सामने जो है कोर्ट अथॉरिटीज जब तक हमसे पूरा ताबुन नहीं करेगी, हकैक को छुपाएंगी, तो मैं समझता हूँ चीज़ कंट्रोल नहीं होगी। ये जो आप इलाका देख रहे हैं सोकम यहाँ मौजूद है, मैं गली गली घर घर जा रहा हूँ, ये टोटल सराउंडेड बाय कराची पोर्ट है। अब ये कह देना कि जी कराची पोर्ट से कुछ नहीं हो रहा, तो क्या आप जिस जगह खड़े हैं या ज़मीन से कुछ निकल रहे हैं आप और थोड़ा सा ऊपर, ये जो भी है गैस है या कोई मादा है पाउडर है वो चारों तरफ कराची पोर्ट है, उसी से आ रहा है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि कराची पोर्ट वाले और मिनिस्ट्री मैरीटाइम अफेयर अपने आप को बिल्कुल लातालुक किए जा रहे हैं, अपने ही अंदर छुपते चले जा रहे हैं, कोई चीज़ छुपाने की कोशिश कर रहे हैं। जहाँ तक हमसे हो सकता है कि लोगों का इलाज हो, ये हॉस्पिटल भी फ्री, जिना में भी करवा दिए हैं, इमरजेंसी नाफिज करवा दिए, दो वार्ड उसके अलग करवा दिए, सेपरेट सिविल में करवा दिए इमरजेंसी, दवाओं को पूरा कर रहे हैं, मुफ्त इलाज करवा रहे हैं, ये तो कर रहे हैं। लेकिन मामला ये रुकेगा उस वक्त जब वो कराची पोर्ट या जो रास्ता अगर कोई चीज़ ऐसी है, कोई केमिकल है या कोई पाउडर है, किसी भी ऑपरेशन की वजह से, लोडिंग अनलोडिंग की वजह से ये क्लाउड बन रहा है, ये धुआं बन रहा है और ये डस्ट आ रही है, और इससे लोग जो है 8-9 अफराद जान की बारिश, 10 अफराद बन के हार चुके हैं और इतने ज़्यादा आपके सामने बीमार हैं। तो इसमें मैं समझता हूँ हमें फेडरल गवर्नमेंट, मिनिस्ट्री मैरीटाइम अफेयर, स्पेशली कराची पोर्टर्स जो है वो जब तक हमसे सच नहीं बोलेगी, हमारे साथ ताउन नहीं करेगी, तो ये मामला हल नहीं होना। और गैर जिम्मेदाराना बयान के बजाय मिनिस्टर जो देते रहते हैं कि यह शराब की भट्टियाँ हैं उसकी बदबू से लोग मर रहे हैं, यहाँ पर हम खड़े हैं, यह बदबू शराब की भट्टियों से आ रही है, ये गैर जिम्मेदाराना रवैया है, ये हमारे लोगों की तस्वीर है, तो ये हमारे सबकों पर नमक पाशी है। एक तो हम अपने प्यारे खो रहे हैं, कुछ लोग बीमार हैं, और ऊपर से आप जो है अपना ऐसे मशवरा पन जो है वो दिखा रहे हैं कि किसी तरह की हमारी आवाम को काबिल है। एक समाज ये जहाँ आप कह रहे हैं फ्री में, लेकिन सुबह से हम देख रहे हैं जो लोग आ रहे हैं उनको भी चार्ज कर रहे हैं, आप लोग कह रहे हैं नहीं मैं आपको बच्ची में मैं आपको ये फ्री में नहीं 20,000 चार्ज कर रहे हैं, 10 से 12 और 20,000 नो वे अभी मैं होकर आया हूँ, ये इतने लोग खड़े हाँ, अभी उन्होंने बताया कि जो हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं वो फ्री ऑफ कास्ट है उनका जितना इलाज होता है, ठीक है। अच्छा, अब जब आप टेक अवे होता है ना, आप जब घर जा रहे होते हैं तो आपको दवा लिख के देते हैं कि जी ये दवा है आप ये ले जाइए, या आप घर पर खाते रहिए, तो बहुत सारे लोग कहते हैं वो भी हमें आप दो, ये प्रॉब्लम अभी आई है करने से पहले की बात नहीं, जब जाने लगते हैं तो उसके बाद अब डॉक्टरों ने मुझे भी ये बात ब्रीफ की, उन्होंने कहा कि सर मसला ये है कि यहाँ पे पेशेंट जो है ना वो कहते हैं कि हमें आप दो और लिख के ना दो, तो ये प्रॉब्लम आ रही है, तो थोड़ा सा ये है मसला। देखिए वफाक के पास इतना हसास इदारे हैं, हसास एजेंसियाँ हैं, और देखिए हमारे पास इतने वसाइल नहीं है कि हम इस किस्म की ख़तरनाक और जहरीली चीज़ का मुकाबला कर सकें। तो मेरी बात तो होती रही है बहुत सारे महकमों से, इदारों से, मुझे उम्मीद है वो अपनी अपनी कोशिश भी कर रहे होंगे, बिल अभी इसके बगैर तो कोई चारा ही नहीं है। हकायक ना सिर्फ मुकम्मल रिपोर्ट की सूरत में, कल मैंने नेशनल असम्बली के फ्लोर पर भी ये बात की, हकायक पूरी तरह सामने आए, बिल्कुल जिसका कसूर है उसको जिम्मेदार का तायुन किया जाए और उसको करार वाकई सज़ा भी दी जाए, ताकि आइंदा इस तरह ना हो सके, और खुदा करे कि आज रात फिर ये उस तरह से अटैक ना हो जिस तरह गुज़श्ता 2 रातों से हुआ है। लेकिन एक जहाज की लोडिंग अनलोडिंग बंद कराई गई है, तो उसके बाद से थोड़ा सा फ़र्क ज़रूर पड़ा है, तो फिर आज उनका स्टेटमेंट तो यही झूठा हो जाता है कि जी हमारा कोई मसला नहीं है पोर्ट का। मैं आपसे फिर कहूँगा कि ये चारों तरफ पोर्ट है, जो भी हवा आपके पास आ रही है, मेरे पास, मेरी नाक में जा रही है, ये पोर्ट से होकर आ रही है, इसके अलावा कोई और तीसरा दूसरा रीज़न हो ही नहीं सकता। खुदा के वास्ते बजाय शुतुरमुर्ग की तरह अपने परों में अपना सर छुपाने के, या कबूतर की तरह आंखें बंद करने के बजाय हमारे साथ ताउन किया जाए और असल मसले की जड़ तक पहुँचाए। ठीक है।